अस्सलाम वालेकुम। आज और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नए तरीके से अंडा धुनिया, वो आपको हम दिखाएंगे। ये हमने डाल दिया 2 चम्मच ऑयल। ये हमने डाल दिया है जीरा, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, ये कटी हुई प्याज और 2-3 हरी मिर्चें हैं। आप देख सकते हैं प्याज हमारा नरम हो रहा, हमें हल्का ब्राउन करना है। आज हम इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे, एक नए तरीके से बनाएंगे, यूनिक तरीके से। तो आप ये देख सकते हो, इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसमें डाला हमने 1/2 टमाटर, ये इसमें हमने डाला है 1/2 चम्मच नमक, और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच सौंफ। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला। और इसमें डालेंगे हम चुटकी भर पाव भाजी मसाला। और इसमें कोई फालतू मसाला नहीं डालेंगे, ना गरम मसाला, न जीरा पाउडर, न काली मिर्च पाउडर, कुछ भी नहीं डालेंगे। आज हम एक नई रेसिपी आपको 5 मिनट में बना के दिखाऊंगी। ये हमने लिया है 3 अंडा, जो कि हमने इसमें डाल दिया, ये देखिए। इसको हम फटाफट इसी में फेंट लेंगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी, कितना जल्दी फटाफट बनके तैयार हो गया और कितना टेस्टी है और बहुत ही लाजवाब अंडे की भुनिया बनके तैयार हुआ है। ये देखिए 2 मिनट और इसमें लगेंगे, ये फटाफट से बन जाता है। ये देखिए, बहुत कम तेल और बहुत कम मसालों में, हल्का मसाले में बनके तैयार होने वाली रेसिपी है अंडे की भुजिया। ये देखिए हमारा अंडा भुजिया कितना अच्छा, कितना यमी और कितना कलरफुल बनके तैयार हुआ है। ये फटाफट से 5 मिनट में बनने वाला अंडा भुजिया है। आप फटाफट से इसको बनाइए और खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। ये देखिए कितना कलरफुल है और कितना अच्छा है। और हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हमारे पास कुछ बनाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा लाओ आज अंडा भुजिया ही बना के डाल दे। ये देखिए, जब तक मैं यूट्यूब पे कुछ बना के डालती हूँ, तब तक जैसे मैं अपने आप को खाली खाली महसूस करती हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने कभी मतलब क्या खो, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ खोया खोया सा महसूस होता है। और जब मैं कोई चीज़ कुछ भी बना लेती हूँ तो मुझे संतुष्टि मिल जाती है। ये देखिए
कितना टेस्टी और कितना अच्छा ये बना हुआ है। आप लोग भी बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। ये देखिए,